नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम चर्चा करेंगे रिसर्जेंस ऑफ योग। रिसर्जेंस ऑफ योग, तो देखिए दो शब्द हैं, रिसर्जेंस एंड योग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन रिसर्जेंस। रिसर्जन क्या है? तो देखिए रिसर्जेंस का मतलब होता है पुनरुत्थान। ये जो शब्द आप देख रहे हैं पुनरुत्थान, यानी रि का मतलब होता है पुनः और सर्जेंस का मतलब होता है उत्थान, यानी पुनः उत्थान होना। इसका मतलब स्पष्ट है कि कोई चीज यानी योग पहले था लेकिन वो विलुप्त था, पॉपुलर नहीं था, फेमस नहीं था, लेकिन एक ऐसा दौर आया कि योग पुनः फेमस हो गया, है ना, पुनः उसका उत्थान हो गया, है ना। जैसे आप पढ़ते होंगे ना कि महिला उत्थान, एक समय था जब महिलाएं शिक्षित दीक्षित होती थी, बीच में ऐसा समय आया कि महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, है ना, पढ़ने लिखने से दूर रखा जाता था, है ना, घर तक सीमित रखा जाता था। और एक अब जो प्रेजेंट दौर है तो सबसे ज्यादा महिलाएं, लड़कियां, गर्ल्स, फीमेल्स, वीमेन पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। तो इसी तरह योग का रहा है कि योग पहले बहुत पॉपुलर था, फेमस था और हर व्यक्ति जानता था योग के बारे में, क्योंकि भारत तो सदियों से ऋषियों का देश रहा है। ऋषि, मुनि, साधु, संत, योगी, ऐसे महापुरुषों की भूमि ये रही है। राम, कृष्ण ऐसे योद्धाओं की भूमि रही है, ऐसे युग पुरुषों की भूमि रही है। लेकिन कुछ चीज़ें समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो उसी तरह से योग में भी परिवर्तन आए, लेकिन आज फिर इस 21वीं सदी में योग पुनः अपने चरम पर है, एक इसका उत्थान है। तो ये रिसर्जेंस का मतलब आप समझ गए होंगे। और आगे हम बात करें योग, तो देखिए योग का मतलब जोड़ना होता है, मिलाना होता है, इकट्ठा करना होता है, टू यूनियन, टू कंबाइन टूगेदर, टू यूनाइट, है ना, सम, एड, मिलाना, इकट्ठा करना, जोड़ना, ये सब मतलब योग का होता है। तो किसको किससे जोड़े, यानी आत्मा का परम आत्मा से मिलन, यानी इस सोल का सुप्रीम सोल से मिलन है, वो योग है। ठीक है, सामान्यतः योग सूत्र या योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी भी योग से चित्तवृत्ति निरोध की परिभाषा देते हैं, चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण समत्वम योग उच्चते को योग कहते हैं, यानी कैसे भी परिस्थितियां हो, चाहे अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे शीत हो, चाहे उष्ण हो, कैसे भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हो, सभी परिस्थितियों में अपने आप को समान बनाए रखना ही योग है। बैलेंस, है ना, बैलेंस, स्टोइक, समत्वम, है ना, संतुलित माइंड, बैलेंस माइंड, बहुत मुश्किल होता है, साधना से ही संभव हो सकता है, योग से ही संभव हो सकता है। जीत में पागल और हार में हम उदास हो जाते हैं, है ना, तो ना जीत में पागल हो ना हार में उदास हो, ऐसी अगर बैलेंस की स्थिति हम ले आते हैं तो वो योग है। और इस स्थिति के लिए हमें योग की विभिन्न क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है, तभी हम बैलेंस माइंडेड बनते हैं, संतुलित दिमाग हमारा तभी बनता है। तो देखिए योग जो है वो सामान्य जन के लिए, जो हम सब हैं सामान्य व्यक्ति हैं, साइंस ऑफ लिविंग है, जीवन जीने का विज्ञान है। जो रोगी हैं उनके लिए औषधि है, उनके लिए एक दवाई का काम करता है, है ना, जिनको डायबिटीज है, कोई बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है ना, बैक पेन है, हेडेक है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, यानी जितने भी रोगी हैं उनके लिए औषधि है।
तनाव रहता है, स्ट्रेस, तनाव, अवसाद, चिंता, इन सब में औषधि का काम करता है। एक टॉनिक है ये, है ना, एक टॉनिक है, एक औषधि है। और कहें तो ये संजीवनी विद्या है, योग है ना, संजीवनी विद्या। और योग वास्तव में कल्प वृक्ष भी है। योग करते समय जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते चले जाते हैं, जैसी कल्पना करते हैं वैसे ही हम हमारे जीवन में रूपांतरण, परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। तो योग एक संजीवनी विद्या है, योग एक टॉनिक है, और आजकल के जो ब्रेन से काम लेते हैं उनके लिए तो ब्रेन टॉनिक है ना। और योग एक कल्प वृक्ष भी है, जैसी आप कल्पना करते हैं वैसे आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, आपके शरीर और मन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो सामान्य जन के लिए जीवन पद्धति है, रोगियों के लिए औषधि है। जो खिलाड़ी है और जो विद्यार्थी है, जो युवा बच्चे हैं, उनके लिए ऊर्जा का स्रोत है, उनको सकारात्मक करता है। उनके अंदर एनर्जी की कमी है तो एनर्जी बूस्ट का काम करता है, और उनकी एनर्जी को सही दिशा प्रदान करता है। ये सबसे बड़ी खासियत है योग की, कि जो युवा पीढ़ी होती है, युवा लड़के लड़कियां होते हैं, वो कई बार गलत दिशा में भटक जाते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं। अगर वो योग की शरण में आ जाते हैं तो डेफिनेटली उनका सर्वांगीण विकास तो होता ही है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट तो होता ही है। उनकी एनर्जी, उनकी सोच सही दिशा में लगती है, वो शरीर का भी पुनर्थान करते हैं, अपने जीवन को भी अच्छा जीते हैं, और उनके अंदर एक एनर्जी का लेवल रहता है, सदा वो सकारात्मक रहते हैं, कभी जीवन में गलत निर्णय वो नहीं लेते हैं, और वो अपने साथ साथ समाज के साथ, परिवार के साथ, अपने प्रांत के साथ, राज्य के साथ एक ह्यूमिनिटी की भावना उनके अंदर आ जाती है ना, एक जज्बा उनके अंदर होता है समाज राष्ट्र के प्रति, एक सेवा भाव उनके अंदर होती है, समर्पण का भाव उनके अंदर होता है, श्रद्धा का भाव उनके अंदर पनपता है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं, है ना, जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, है ना, जो भक्ति करते हैं, है ना, ऐसे लोगों के लिए, आध्यात्मिक लोगों के लिए योग मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है ना। तो योग की अलग अलग क्रियाएं अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं। कुछ लोग योग में समाधि या मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग वर्तमान में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग योग को जानना सीखना चाहते हैं, कुछ लोग योग से अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने रोग ठीक करना चाहते हैं। तो सभी व्यक्तियों के लिए योग अलग अलग तरह से कार्य करता है। तो ये हमने सामान्य बेसिक कंसेप्ट ऑफ योग को जाना, और इसके ये दोनों टर्म हमने जान ली है, योग और पुनरुत्थान यानी रिसर्जनेंस, है ना, रिसर्जेंस एंड योग, दोनों टर्म्स को हमने जान लिया है। तो व्हाट इज रिसर्जेंस ये हमने जान लिया, व्हाट इज योग ये भी हमने सामान्य तौर पे जान लिया है ना। अब हम जानते हैं कि इसके पुनरुत्थान की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जब से धरती पे मनुष्य का पदार्पण हुआ है, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, तो उसी के साथ ही योग का भी प्रादुर्भाव हुआ है ना, योग का भी उसी के साथ ही उत्पन्न हुआ माना जाता है, मनुष्य के साथ ही योग माना जाता है ना। तो और योग तो स्वाभाविक है, व्यक्ति के जीवन में होता ही है। एक छोटा बच्चा होता है, वो कहते हैं माँ के गर्भ में होता है तो आदि मुद्रा में होता है ना, उसको जो भोजन मिलता है माँ की नाल से, उसकी नाल जुड़ी होती है, प्लेसेंटा जुड़ी होती है, उससे उसको भोजन मिलता है। तो प्रकृति के साथ तो व्यक्ति जुड़ा ही रहता है, और उस प्रकृति के जुड़ाव के साथ ही उसका योग स्वतः ही हो जाता था ना। खाना उकड़ू बैठकर खाता था ना, मल त्याग उकड़ू बैठकर करता है व्यक्ति, पानी उकड़ू बैठकर पीता है। तो ये जो जीवनचर्या है, ऋतुचर्या है, रात्रिचर्या है, ये सब कहीं ना कहीं योग का ही पार्ट है, योग का ही हिस्सा है ना। कुछ देर विपरीत परिस्थितियों में भगवान को याद करता था, है ना, वो भी योग ही है। अलग अलग हो सकते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ध्यान योग, कुंडलिनी योग, योग के कई तरीके हो सकते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए ना। तो योग सदियों से मानव के साथ है, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तभी से ही योग माना जाता है। और बताते हैं गीता में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, चौथा जो अध्याय है गीता का, ज्ञान कर्म संन्यास योग,
है ना, उसका जो पहला सूत्र है या श्लोक है गीता का, चौथे अध्याय का पहला श्लोक, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावहान हम वयम विवस्वान मन्वे प्रहा मनुरिक्षवा कव अब्रबीत। यानी भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को संदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, ये गीता का ज्ञान तेरे से पहले, यानी सबसे पहले मैंने ये गीता का या योग का ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य देव को दिया था, क्योंकि गीता का ज्ञान स्वयं अपने आप में योग का ज्ञान है, क्योंकि गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक और सभी अध्याय के पीछे योग शब्द लगा हुआ है, तो गीता स्वयं एक योग का बहुत बड़ा ग्रंथ है ना। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग का ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था, यानी विवस्वान को दिया था ना, विवस्वान का मतलब सूर्य देव। सूर्य देव ने अपने बेटे मनु को दिया था, है ना, धरती पे सबसे पहले व्यक्ति माने जाते हैं मनु, और मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु जो राजा थे, राजा इक्ष्वाकु को दिया था, और फिर राजा इक्ष्वाकु ने ऋषि मुनियों को, राज ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था, और इस तरह से योग की ये परंपरा चल पड़ी थी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कालांतर में लुप्त हो गया था, उसके बाद ये परंपरा चली, लेकिन ये लुप्त हो गया था, है ना, ये समाप्त हो गया था, योग दब गया था, उसका ज्ञान पुनः, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अब दे रहा हूं। बहुत बड़ी बात यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले मैंने सूर्य देव को योग का ज्ञान दिया, फिर मैंने मनु को दिया अपने बेटे को, मतलब सूर्य देव ने मनु को दिया, मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया, राजा इक्ष्वाकु ने ऋषि मुनियों को, राज ऋषियों को दिया। तो भगवान श्री कृष्ण तो सूर्य देव को देते हैं, लेकिन सूर्य देव मनु को देते हैं, मनु इक्ष्वाकु को देते हैं, इक्ष्वाकु ऋषि मुनियों को देते हैं, राज ऋषियों को देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि अर्जुन, तेरे से पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था, लेकिन ये परंपरा चली भी थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई थी, और आज पुनः इसकी जरूरत है, ये मैं योग का ज्ञान पुनः एक बार फिर तुम्हें मैं दे रहा हूं। तो ये देखिए, वहां पर पुनरुत्थान की बात भी कही गई है कि किसी समय सूर्य देव को दिया, बीच में विलुप्त हो गया, एक परंपरा चली लेकिन वो पूरी नहीं चल पाई, वो विलुप्त हो गया। कई बार होता है ना कि इस पीढ़ी में वो ज्ञान था, है ना, कुछ गांव में, समाज में कुछ पीढ़ियां होती है ना जिनमें नॉलेज होती है कि उसका दादा करता था, बेटा करता था, पोता करता था, लेकिन वो ज्ञान फिर चौथी पीढ़ी में खत्म हो गया, लेकिन दोबारा से कोई ऐसी पीढ़ी आती है, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, जो भी, कि मेरे दादा ऐसा करते थे तो मैं भी ऐसा करूँगा, और वो उन पे रिसर्च करके, अनुसंधान करके, या उनके दस्तावेजों को खंगाल के, और वो ज्ञान पुनः प्राप्त करते हैं और वो परंपरा को शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह की बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। और देखिए, एक परंपरा इधर भी चली थी कि योग के आदि जो प्रवक्ता है वो हिरण्यगर्भ को माना जाता है ना, योग के सबसे पहले प्रवक्ता हिरण्यगर्भ को माना जाता है ना, हिरण्यगर्भ आदि प्रवक्ता मतलब फर्स्ट पर्सन हिरण्यगर्भ को माना जाता है ना, हिरण्यगर्भ मतलब स्वयं ब्रह्मा जी, क्रिएटर जो है इस धरती, मतलब मनुष्यों के जो रचयिता है ना, हम सबके जो रचयिता है वो ब्रह्मा जी माने जाते हैं। तो हिरण्यगर्भ अपने आप में स्वयं ब्रह्मा जी है ना। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है सोने का अंडा, सोने का जो अंडा होता है वो, मतलब हिरण्यगर्भ का मतलब सोने का अंडा जो ब्रह्मा जी की कोख में ही पलता है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी से परंपरा शुरू होती है, फिर वो सनक सनंदन, है ना, ऐसे अन्य ऋषियों को देते हैं, और फिर ये परंपरा ज्ञान योग, कर्म योग के नाम से चलती है। कर्म योग की परंपरा को यहां से माना जाता है, ज्ञान योग की परंपरा को ये माना जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक परंपरा नाथ संप्रदाय में भी है, तो नाथ संप्रदाय में जो नाथ योगी है ना, देखे होंगे नाथ संप्रदाय के बोलते रहते, अलख निरंजन, कनफटे साधु, है ना, कान बेलिए कनफटे साधु, ये सब नाथ संप्रदाय में है। तो नाथ संप्रदाय में जो आदि योगी होता, आदि योगी नहीं, सबसे पहला योग गुरु, फर्स्ट आदि योगी, आदिनाथ, आदि गुरु, आदि देव, ये सभी भगवान शिव को कहा जाता है ना, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव। तो कहते हैं कि भगवान शिव ने योग का ज्ञान अगर किसी फीमेल को दिया था तो सबसे पहले माता पार्वती जी को दिया था, है ना, उनकी पहली शिष्या थी माता पार्वती जी, उनको योग का ज्ञान दिया था, ऐसा हठयोग ग्रंथों में बताया जाता है। और
एक ग्रंथ में तो शिव और पार्वती का संवाद ही मिलता है, योग का संवाद मिलता है योग बीज में ना। तो आगे हम बात करें, भगवान शिव ने बताते हैं कि कांति सरोवर जो झील है, कैलाश पर्वत है ना, काफी प्राचीन पर्वत है, वहां पर वो रहते थे। तो कांति सरोवर जो झील है वहां पर, तो वहां पर सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था, सप्त ऋषियों को, जो सात प्रमुख ऋषि हैं उनको योग का ज्ञान दिया था। और उन सप्त ऋषियों में एक ऋषि जिन्होंने भारतीय जो उपमहाद्वीप है ना, इंडियन कॉन्टिनेंट जो है, भारतीय उपमहाद्वीप जो है, उसमें अगस्त्य ऋषि जो हुए हैं, अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य मुनि, उन्होंने योग को फिर आगे फैलाया था, योग का आगे प्रचार किया था। अगस्त्य ऋषि की कथा हमें योग वशिष्ठ ग्रंथ में मिलती है। योग वशिष्ठ ग्रंथ में भगवान श्री राम और महर्षि वशिष्ठ का संवाद भी है, वहां पर भी अगस्त्य ऋषि की कथा मिलती है ना, जो एक आश्रम में जाते हैं एक राजा के, तो वहां पर इनकी कथा मिलती है। तो एक परंपरा ये चलती है योग की। तो देखिए, योग किसी समय अरण्य में था, यानी जंगलों में था, गुफाओं में था, कंदराओं में था, पर्वतों में था, एक समय ऐसा था, ये सब परंपराएं चली लेकिन कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई। फिर ये जो योग है साधु संतों तक सीमित हो गया, ऋषि मुनियों तक सीमित हो गया, और साधु संत इस विद्या को सिखाना नहीं चाहते थे, किसी को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये बहुत ही गहरी विद्या थी, बहुत ही डीप विद्या थी। इसलिए साधु संत कहाँ करते थे इस योग विद्या की साधना, इस योग विद्या को प्राप्त करने के लिए साधना कहाँ करते थे, वो जंगलों में करते थे, गुफाओं में करते थे, है ना, कंदराओं में करते थे, है ना, जो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बियाबान जंगल, ऐसे इलाके जहाँ मतलब ना पशु मिलते हैं, ना पक्षी पहुँच पाते हैं, जानवरों का पहुंचना मुश्किल होता है, इंसान भी नहीं पहुंच पाते, बिल्कुल गुपचुप अलग से। तो वो साधना करते थे और पूरा जीवन निकाल देते थे, है ना। आपने सुना होगा कि 400 साल वो साधु जिए थे, 600 साल जिए, कोई 200 साल जिए, कोई 150 साल तक जीवित रहे। तो वो गुफाओं में ध्यान, साधना, योग की जो विभिन्न क्रियाएं थी उनका अभ्यास करते थे, और कुछ समाधि तक पहुंचे, कुछ को मोक्ष मिल गया, लेकिन उनके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं मिली, क्योंकि वो ऐसी कंदराओं में रहते थे, ऐसी गुफाओं में रहते थे कि वो शरीर को छोड़ जाते थे, उनके आत्मा मोक्ष, उनके आत्मा को मोक्ष मिल जाता था। तो बाद में अगर कोई वहां पहुंचे तो देखते थे कि भाई शरीर की बॉन्स, हड्डियां, ये सब पड़ा मिलता था, अब क्या पता कौन है क्या है। तो आज भी है, आज भी कुछ जो पर्वतों के जंगलों में ऐसी ऐसी जगह है, ऐसी ऐसी गुफाएं हैं जहां खूब साधु रहते हैं। भारत में तो सबसे ज्यादा रहते हैं, भारत में मतलब सबसे ज्यादा साधु हैं। अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया में, अगर हम स्वीडन डेनमार्क की बात करें, दो कंट्री की पॉपुलेशन अगर हम मिलाए तो मुश्किल से 90 लाख बनती है, 1 करोड़ बनती है, 80 लाख प्लस 20 लाख स्वीडन डेनमार्क की, लगभग 1 करोड़ तो हमारे देश में साधु संत है। और साधु कम स्वादु ज्यादा है, साधु कम और स्वादु ज्यादा है, और कुछ साधु जटाओं में हैं, बड़ी बड़ी जटाएं बाल रखते हैं, स्टेशनों पे पड़े रहते हैं, कुछ ऐसे भीख जो मांगते हैं साधु। साधु का काम भीख मांगना नहीं है, भिक्षा मांगना है, लेकिन आजकल साधु भीख मांगते हैं, जटाएं बढ़ा लेते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं, तो ये उनकी निष्क्रियता की निशानी भी है ना, उनकी निष्क्रियता की निशानी, वो काम नहीं करना चाहते, उनको आनंद इस चीज में आता है ना। तो उन जटाओं के पीछे, उन दाढ़ी के पीछे हो सकता है कोई आतंकवादी भी छिपा हो, उन जटाओं में, उन बालों में, पता नहीं कैसे कैसे आतंकवादी छिपे हुए हैं हमारे देश में। तो स्वीडन डेनमार्क की जितनी पॉपुलेशन है, इतने हमारे देश में साधु संत हैं। साधु कम है, स्वादु ज्यादा है। कुछ साधु जो हैं रियली में ही समाज की सेवा कर रहे हैं और समाज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अध्यात्म के पथ पर, योग के पथ पर, ज्ञान के पथ पर वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं, एक नया जीवन लोगों को दे रहे हैं। क्योंकि साधुओं का, संतों का, योगियों का काम ही यही था कि समाज को एक नई दिशा देना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें प्रेरित करना, उन्हें अभी प्रेरित करना। और कुछ साधु आज भी ऐसे हैं, कुछ ऋषि मुनि ऐसे हैं, कुछ योगी ऐसे हैं जो इन गुफाओं में, कंदराओं में आज भी साधनारत है, साधना में लगे हुए हैं,
जाकर आप देख सकते हैं, है ना। हमारे जितने भी हिमालय पर्वत है उस साइड में काफी मिल जाएंगे आपको साधु संत। अब एक गाना भी है ना, दुनिया से भागे फिरते हो भगवान को क्या पाओगे, इस लोक को अपना ना सके तो परलोक को क्या अपनाओगे। चित्रलेखा फिल्म का ये सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। कि जो आजकल के ढोंगी पाखंडी जो बाबा है ना, मतलब कपड़े पहन लेते हैं ना, झूठे कपड़े पहन लेते हैं और बताते हैं ऐसे ऐसे साधु हैं, कपड़े पहन लेते हैं, भिक्षा मांग ली, शाम को शराब पी के आराम से मौज कर रहे हैं, कपड़े बदल लेते हैं, पैंट शर्ट पहन लेते हैं। ट्रेनों में वैसा होते हैं, दिन में जैसे होता है ना कि पुलिस वाले अपनी ड्रेस पहन के ड्यूटी देते हैं, तो ऐसे काफ़ी ऐसे साधु टाइप के व्यक्ति हैं जो दिन में वो ड्रेस पहन के, लाल कपड़े पहन के, गहरे कपड़े पहन के मतलब भीख मांगते हैं, भिक्षा नहीं बोलेंगे, भिक्षा तो बड़े हिसाब से होती है, और फिर रात को शराब पी के और वो कपड़े उतार देते हैं, दूसरे कपड़े पहनते हैं। जब जैसे उनको आज ड्यूटी पे जाना है ना, भीख मांगने या भिक्षा आने, तो ड्रेस चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे भी हैं, चलिए वो एक अलग बात है। तो इसलिए ये शायद सॉन्ग उन्हीं पे फरमाया गया होगा कि दुनिया से भागे फिरते हो भगवान को क्या पाओगे, इस लोक को अपना ना सके, यानी इस धरती पे या इस लोक को तो अपना ना सके, उस लोक को क्या अपनाओगे, परलोक में कैसे जाओगे भाई। दुनिया से भागे फिरते हो कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं तो साधु हूं, मैं तो संत हूं, है ना। बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुनना कभी आप। तो देखिए, योग किसी समय अरण्य गुफाओं कंदराओं पर्वतों तक सीमित था, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा दौर आया, चेंजेस आते हैं ना लाइफ में भी, चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, फिर वही योग राजघरानों और महलों तक पहुंचा, राजघरानों और महलों तक पहुंचा। यानी जो योग था उसको सीखने के लिए जो राजा लोग थे या बड़े जो दरबार थे, बड़े जो महल थे, उनमें योग को सिखाया जाने लगा। ऐसी हमारी कई परंपराएं कहती हैं कि साधु संत जो थे वो राजाओं को योग सिखाते थे, है ना। ऐसे रामायण में भी, महाभारत में भी, योग वशिष्ठ में भी, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी, योग के दूसरे ग्रंथों में भी अनेक एग्जाम्पल मिलते हैं, पुराणों में भी, कि जो साधु संत होते थे वो अच्छे सलाहकार होते थे और वो योग की शिक्षा देने के लिए राजघरानों में या महलों में आते थे, क्योंकि राजा ही साधु की रक्षा करता था। और एक प्रसंग आता भी है योग वशिष्ठ में कि महर्षि विश्वामित्र जब यज्ञ करते हैं तो उनको यज्ञ में राक्षस जो लोग होते हैं डिस्टर्ब करते हैं ना, कभी हड्डियां फेंक देते हैं, कभी खून के छिट्टे मार देते हैं, कभी शोर शराबा करते हैं, बड़ी दिक्कत करते थे। तो कहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र राज दरबार में आते हैं और राजा दशरथ से राम के बारे में पूछते हैं कि मुझे राम दे दीजिए, राम और लक्ष्मण वो मेरी रक्षा करेंगे, है ना। तो फिर राम और लक्ष्मण को वो मतलब वहां जाने के लिए हाँ भर देते हैं राजा दशरथ। तो कहने का मतलब उस समय साधु संत जो थे बहुत ही सम्मानीय थे और राजा का दायित्व था उनकी रक्षा करना, और राजा करते भी थे, वो संतों की, ऋषियों की, महर्षियों की, योगियों की बातें मानते थे, उन्हीं के अनुसार राजपाट चलता था, है ना। पहले कहते थे ना, जिस देश के राजा झोपड़ी में रहते और प्रजा महलों में रहती है, यानी राजा जो थे वो सेवक होते थे, और ऋषि मुनि भी वास्तव में राजा थे वो, लेकिन वो जंगलों में, गुफाओं में और झोपड़ी में रहते थे, और जो प्रजा होती थी वो खुशहाल रहती थी। तो प्रजा की भलाई के लिए ही वो सब साधनाएं करते थे, ताकि समाज में प्यार मोहब्बत आपसी भाईचारा बना रहे और सब में सब आगे बढ़े, सभी के कल्याण में भी साधु संतों का कल्याण था। तो दोनों चीज ही एक साथ चलती थी, साधु संतों का सम्मान भी और प्रजा का सम्मान भी। तो राजघरानों और महलों में योग सिखाने आते थे। फिर उसके बाद आज पहले जंगलों गुफाओं कंदराओं में था योग, फिर राजघरानों महलों तक पहुंचा, और आज आप देख ही रहे हैं योग हर क्षेत्र में पहुंच चुका है, हर गली मोहल्ले गांव कस्बे तक योग पहुंच चुका है और हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुका है योग। किसी भी तरह से वो योग की कुछ क्रियाओं का जरूर पालन करता है। इस टेक्नोलॉजी के इस दौर में, इंटरनेट के इस युग में, सर्चिंग के इस दौर में हर व्यक्ति योग के बारे में जानना चाहता है, पूछना चाहता है, समझना चाहता है
है ना। तो यही पुनरुत्थान है योग का, कि जो योग किसी समय कंदराओं गुफाओं तक सीमित था, राजघरानों तक सीमित था, राजमहलों तक सीमित था, वो योग वर्तमान में आज एक जन आंदोलन बन चुका है, हर घर हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है। और आपको पता होगा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। सबसे पहली बार 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार मनाया गया था, इंटरनेशनल योग डे, विश्व योग दिवस। और उसके बाद हर साल योग दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में। तो इसके पीछे योग को यहां तक लाने का जो श्रेय है वो हमारे योग ऋषियों को जाता है, योगियों को जाता है। तो उनमें महर्षि याज्ञवल्क्य हो, महर्षि पतंजलि जी हो, महर्षि कपिल जी हो, बादरायण जी हो, है ना, ये जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं प्राचीन काल में, शंकराचार्य जी हो, है ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते कबीरदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, है ना, हर जाति धर्म मजहब के सब ऋषि ऋषियों ने, संतों ने योग को आगे बढ़ाया है, परंपरागत तरीके से आगे बढ़ाया है, है ना, गुरु शिष्य परंपरा से और शुद्ध रूप में योग को आगे लेके आए हैं। फिर उनके बाद अगर हम बात करें स्वामी स्वात्माराम, है ना, फिर हम बात करें महर्षि घेरण, है ना, फिर श्रीनिवास योगी भट्ट, गुरु गोरखनाथ, है ना, मत्स्येंद्रनाथ, इस तरह अलग अलग परंपराओं में योग आगे बढ़ता रहा। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, है ना, किसी ने ज्ञान योग को बढ़ाया, किसी ने कर्म योग को बढ़ाया, किसी ने राज योग को बढ़ाया, किसी ने अष्टांग योग को बढ़ाया, किसी ने क्रिया योग को बढ़ाया, है ना, श्यामचरण लाहड़ी मासे, योगानंद जी, है ना, बी के सैंगर जी, टी कृष्णमाचार्य जी, पंडित श्री राम शर्मा जी, और बहुत ऐसे योगी, महर्षि महेश योगी, जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी काफी देशों में योग को फैलाया। महर्षि महेश योगी जी, है ना, जिनका नीदरलैंड में एक बहुत ही बड़ा योग का इंस्टीट्यूट रहा है, हमारे बी के सैंगर जी, है ना, योगानंद जी, काफी योगी हुए हैं जिन्होंने योग को विश्व पटल पर एक बड़ी पहचान दिलाई, विश्व पटल पर एक बड़ा कार्य किया। तो वर्तमान में अगर हम बात करें मतलब उसके बाद शिवानंद परंपरा से शिवानंद सरस्वती, है ना, सत्यानंद सरस्वती, और फिर उनके शिष्य निरंजनानंद सरस्वती, जो आज भी योग को आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, काफ़ी किताबें उन्होंने लिखी हैं, उन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो काम कर रहे हैं। बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर उनका मतलब मेन स्थान है, जहाँ पर योग की शिक्षा होती है, डिग्रियाँ मतलब पढ़ाई भी होती है, स्पिरिचुअलिटी भी के साथ वहाँ पढ़ाई होती है और रिसर्च के साथ पढ़ाई होती है। स्वामी कोलानंद जी का बहुत याद योगदान है, माधवदास जी का बहुत बड़ा योगदान है, परमहंस का बहुत बड़ा योगदान है, है ना, कोलानंद जी ने भी रिसर्च किया योग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, लोनावाला में उनका इंस्टीट्यूट है जहाँ पर योग की अच्छी पढ़ाई होती है। उसके बाद श्री श्री रविशंकर जी, है ना, और जग्गी वासुदेव जी, इधर पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज पतंजलि के माध्यम से, इधर मैं बात करूँ गुरुकुल कांगड़ी से स्वामी सरदानंद जी, जिन्होंने गुरुकुल परंपरा को, योग को, अध्यात्म को जीवित रखा गुरुकुल कांगड़ी के माध्यम से, देव संस्कृति से पंडित श्री राम शर्मा जी, है ना, गायत्री परिवार से। तो पूरे देश में काफ़ी हमारे योगी हुए हैं जिन्होंने योग को बढ़ाया है, बल्कि योग को एक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से और पूरे विधि विधान के माध्यम से आगे तक प्रेषित किया है, पहुंचाया है। तो उन सब ऋषियों का, योगियों का बहुत ही बड़ा योगदान है। हमारे एक पुस्तक भी है योगियों का जीवन परिचय, बायोग्राफी ऑफ योगीज, अगर आप उन योगियों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं जिनकी वजह से योग आज हम तक शुद्ध रूप में पहुँचा, तो उन लगभग 33 योगियों का जीवन परिचय हमने दिया है विद पिक्चर्स, उनकी तस्वीर के साथ, और उनके इंस्टीट्यूट का भी पूरा वर्णन वहाँ पर मिलता है, उनके बारे में तमाम जानकारियाँ दी गई हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी साधना पद्धति क्या थी, उनका जीवन कैसा था, वो कौन सी योग की पद्धति को लेकर चलते थे, है ना, जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में उनके जीवन के बारे में पढ़ाया जाता है। और मुझे भी लगता भी है कि योग से पहले हमें उन योगियों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से योग आज यहाँ पर पहुँच पाया है। तो ये हमने चर्चा की योग की रिसर्जेंस के बारे में, रिसर्जन हुआ योग का, पुनः उत्थान हुआ योग का, पुनर्जागरण हुआ, योग में क्रांति आ गई है ना, आज योग में क्रांति आ गई है, क्रांति का रूप ले लिया है और बहुत अच्छे से योग, शुद्ध सात्विक रूप से योग फैल रहा है। और ये योग किसी क्षेत्र विशेष में नहीं है, ये योग पूरे भारत में नहीं है,
पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो जिन देशों में योग ज़्यादा फैला है उन देशों में लोग स्वस्थ भी हुए हैं, उन देशों के लोगों का हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है वो भी बढ़ा है, खुशहाली का जो पैमाना है, वेलबींग का जो पैमाना है ना, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। और डेफिनेटली योग पर आज अनेक अनुसंधान हो चुके हैं, विज्ञान की कसौटी पर खरा उतर चुका है, आज भी अनुसंधान जारी है। और योग पूरी तरह से विज्ञान की कसौटी पर तो उतराई है, पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है, योग की क्रियाएं पूरी तरह से साइंटिफिक है। जो आज मॉडर्न मेडिकल जो साइंस है या मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, MBBS के हैं, BDS के हैं, MD के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी फिट रहने के लिए योगी क्रियाओं का अभ्यास कराया जाता है। राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष यात्री रहे भारत की तरफ से सबसे पहले, उन्होंने भी ग्रेविटी योग की शुरुआत की थी ना, ग्रेविटी योग की। हमारे खिलाड़ियों को बड़ा शौक है फिटनेस का, तो उनके लिए योग बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे जो बिजनेसमैन है देश के या पूरी दुनिया के, वो योग को पूरी तरह से अपना रहे हैं, है ना। हमारे जितने भी अंबानी है, टाटा फैमिली है, ये सब योग को, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो भी अपना रहे, छोटे बिजनेसमैन भी अपना रहे हैं, जितने भी फिल्म स्टार हैं, है ना, कोई भी लगा लीजिए, चाहे राजपाल यादव लगा लीजिए, है ना, शिल्पा सेठी लगा लीजिए, जितने भी अक्षय कुमार लगा लीजिए, सभी जो भी आप मानते हैं सभी कहीं ना कहीं योग की क्रियाओं को करते हैं किसी ना किसी रूप में, चाहे वो मॉडर्न रूप में ही क्यों ना करते हो, लेकिन करते हैं। हमारे खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी हमारे, सारे योगाभ्यास करते हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे हरभजन हो, है ना, चाहे विराट कोहली हो, और चाहे सूर्य कुमार यादव हो, है ना, कोई भी खिलाड़ी हो, अपनी फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी इम्यूनिटी के लिए योगाभ्यास जरूर करता है, चाहे वो क्रिकेट के खिलाड़ी हो, चाहे वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हो, है ना, चाहे वो जिम्नास्टिक के खिलाड़ी हो, किसी भी XYZ, है ना, गेम के खिलाड़ी हो, वो सभी योगाभ्यास करते हैं, है ना। चाहे वो तीरंदाजी के खिलाड़ी हो, उनमें बड़ा अच्छा काम करता है योग, चाहे वो शूटिंग के खिलाड़ी हो, अभिनव बिंद्रा जी बताते हैं कि वो काफी कंसंट्रेशन के लिए योग करते हैं, त्राटक बड़ी अच्छी क्रिया है। और अभी जो भाला फेंकने में चोपड़ा जी जो आए थे, तो वो भी योग का सहारा लेते थे। मतलब सभी वर्ग के लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे हॉलीवुड बॉलीवुड के स्टार्स हो, किसी भी वर्ग के हो, चाहे गरीब हो, सबसे अच्छी बात है योग को कोई भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है, इसमें साथी की जरूरत नहीं है। अच्छे योग गुरु के सानिध्य में आप योग सीखकर कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन देखा देखी नहीं करनी चाहिए ना। देखा देखी करे योग चीजें काया बॉर्डर रोग, यानी रोग हो सकते हैं, गलत तरीके से योग नहीं करना चाहिए। किसी गुरु के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, किसी योग विशेषज्ञ, किसी योग आचार्य के निर्देशन में योग की क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए, तभी आपको पूरा फायदा या लाभ मिलेगा। देखा देखी करके योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली आज योग, एक योग की क्रांति आ गई है। योग को पहले कुछ गुरुओं के पास जाकर सीखना पड़ता था, आश्रमों में, गुरुकुलों में, लेकिन आज एक ऐसा दौर आ गया है, आज हर कॉलेज में, हर विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के अंदर योग की पढ़ाई होती है। योग में बच्चे PhD करते हैं, रिसर्च करते हैं, नेट GRF होता है, SET स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये एजुकेशन में, स्कूलों में, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय हो, चाहे CBSE स्कूल्स हो, चाहे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, कोई भी बोर्ड हो, सब में कहीं ना कहीं योग सब्जेक्ट को लागू किया जा रहा है। साथ में वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, है ना, गाँव में वेलनेस सेंटर, उसमें योगी क्रियाएं करवाई जाती हैं। और डॉक्टर भी आजकल तो ENT केयर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो भी आपको जल नेति सूत्र नेति की सलाह देते हुए मिल जाएंगे। आपको अगर डिस्क की प्रॉब्लम है, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो मॉडर्न मेडिकल के डॉक्टर जो हैं, है ना, एलोपैथी जो डॉक्टर हैं, वो भी आपको योगिक ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। न्यूरो नर्वस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको डॉक्टर्स हैं योग का, योग की सलाह देते हुए मिल जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि योग जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी है, योग जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी है, इसमें अच्छा करियर बना सकते हैं, और योग अध्यात्म के क्षेत्र में भी है, मोक्ष की प्राप्ति तो है ही, है ना, समाधि की प्राप्ति तो है ही। योग व्यापार और बिजनेस के क्षेत्र में भी है, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि योग सभी क्षेत्रों में आज एक बड़ी पहचान बना चुका है,
है ना, पूरी दुनिया में योग अलग अलग तरीके से फैल चुका है। कुछ फिटनेस के लिए करते हैं, है ना, कुछ अपने आप को जानने के लिए करते हैं, अपनी शक्तियों को जानने के लिए करते हैं। तो योग किसी न किसी रूप में बच्चों से लेकर बड़ों तक, योग का फायदा यही है कि बच्चे भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकती हैं, फीमेल भी कर सकती हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है। ना साथी की जरूरत है, ना कोई दो चार पांच लोग हों कोई जरूरत नहीं है, आप अकेले भी कर सकते हैं, ये तो एक साधना है। तो आपको इसमें जगह की जरूरत भी नहीं है कि भाई क्रिकेट का खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए, ना बैडमिंटन के लिए ग्राउंड चाहिए, एक आपके सोने जितनी जगह हो वहीं पर आप कर सकते हैं, छत के ऊपर कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं, खुले मैदान में आप कर सकते हैं, कमरे में कर सकते हैं, बरामदे में कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, मस्जिद में कर सकते हैं, गिरजाघर में कर सकते हैं, गुरुद्वारे में जाके कर सकते हैं, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर भी कर सकते हैं, जहाँ कोलाहल ना हो, जहाँ एनवायरमेंट शुद्ध हो, साफ हो। तो आज दोस्तों ये हमने चर्चा की रिसर्जेंस यानी योग का पुनरुत्थान कब कैसे हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, फिर भी आपका कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो निसंदेह निसंकोच आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।